हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास ट्वेल्थ के अंदर प्रायिकता में सह प्रतिबंध प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखो क्या है, इस क्वेश्चंस में क्या करना है, पी ई बाई एफ निकालना है। क्वेश्चन के एक सिक्के को तीन बार उछाला गया है, तो प्रत्येक केस में ई बाई एफ की वैल्यू निकालनी है, पी ई बाई एफ। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा ना, जब तीन बार सिक्के को उछालते हैं तो क्या होता है, या तो तीनों पे एच आता है, या दो पे एच, एक पे टेल, और ये टेल तीनों पोजीशन पर रखते थे हम, टी एच एच, या फिर एक एच आता है और दो टेल, और ये टेल तीनों पोजीशन, एच तीनों पोजीशन पर आएगा, और एक केस होते हैं जब तीनों ही टेल होते हैं। तो ये हमारे पास आठ केस बनते हैं जब एक सिक्के को तीन बार उछालते हैं। पहले तीनों पे हेड आएगा, फिर दो हेड और एक टेल, पहले टेल को थर्ड पोजीशन पर रखेंगे, फिर सेकंड पर, फिर फर्स्ट पोजीशन पर, फिर एक हेड और दो टेल, तो उस हेड को तीनों पोजीशन पर रखा है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिर तीनों पर टेल। अब इन सब की वैल्यूज निकालेंगे। ई क्या है, तीसरी उछाल पर चीता आना चाहिए, तो तीसरी उछाल तो एक ही है ना, वन टू थ्री और फोर, तो ये फोर केसेस आ जाएंगे, एच एच एच। तो पहले हमें पूरा बनाना पड़ेगा, उसको देख के ही लिखेंगे, एस टी एच और टी एच एच और टी टी एच। एफ कैप पहली दोनों उछालों पर चीत आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एच 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 और एच एच टी। तो इन दोनों केसेस में क्या है, पहले दोनों बार चीत आ रहा है, मतलब हेड आ रहा है, हमें पी ई बाई एफ निकालना है। तो पी ई बाई एफ फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपोन में पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूं मैं, तो दोनों में कॉमन जो आ रहा है ना, वो आ रहा है एच एच एच। तो इनकी प्रायिकताएं क्या होंगी, ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/8, क्योंकि टोटल 8 है। एफ की प्रायिकता, एफ में दो अवयव है, तो आ जाएगा 2/8, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ई में न्यूनतम दो चित। न्यूनतम दो चित का मतलब क्या है, या तो दो चित होंगे या फिर दो से ज्यादा होंगे, मतलब तीन चित वाला केस आ जाएगा। तो न्यूनतम दो चित में एक तो दो चित वाले केस आ जाएंगे, कौन कौन से हैं, एच एस टी, एस टी एच, टी एच एच, और तीन चित वाले केस आ जाएंगे, एच एच एच। ठीक है, ये तो दो चित वाले केस हो गए, और ये तीन चित वाले, मतलब कम से कम दो चित होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, अधिकतम एक चित। अधिकतम एक चित का मतलब है या तो एक चित होगा या फिर एक से कम होगा, एक से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो अधिकतम एक चित में जो केस आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, एस टी टी, टी एस टी, टी टी एच, ये तो एक चित हो गया, या फिर जीरो चित। जीरो चित का मतलब है तीनों पे टेल। दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आ रहा, तो यह आ जाएगा फाइव, और जिसका इंटरसेक्शन फाई होता है उसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है जीरो। अब हमने निकालना है पी ई बाई एफ, तो ये आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपोन में पी एफ, तो ये आ जाएगा जीरो अपोन में पी एफ, तो आंसर आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट है अधिकतम दो पट। अधिकतम दो पट का मतलब होगा या तो दो पट होंगे, एस टी टी, टी एस टी, टी टी एच, या फिर एक पट होगा, टी एच एच, एस टी एच और एच एस टी, या फिर जीरो पट होंगे, मतलब तीनों पर हेड आ जाएगा। सेकेंड है न्यूनतम दो पट। न्यूनतम दो पट का मतलब है या तो दो पट होंगे, एस टी टी, टी एस टी, टी टी एच, या फिर तीन पट होंगे, टी टी टी। तो इन दोनों में से जब इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो हमारे पास ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो आ जाएगा एस टी टी, टी एस टी और टी टी एच। तो अब हमने निकालना है पी ई बाई एफ, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता हो जाएगी 3/8 और एफ की प्रायिकता है 4/8, आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्के को दो बार उछाला गया, तो पी ई बाई एफ निकालना है। सिक्के को दो बार उछालते हैं ना, तो चार घटनाएं होती हैं, एच एच, एस टी,
TH और TT, मतलब सैंपल स्पेस में चार ही अवयव आते हैं, तो एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, E है एक सिक्के पर पट, तो क्या आ जाएगा ST और TH। एक सिक्के पर चित प्रकट होता है तो ये भी यही आएगा ST और TH। इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ये चाहिए हमें, तो ये भी इतना ही आएगा ST TH। PE by F फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। E इंटरसेक्शन F, यहाँ दो अवयव है तो आ जाएगा 2/4, F के अंदर भी दो हैं तो 2/4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सेकंड है कोई पट प्रकट नहीं होता। कोई पट प्रकट नहीं होता मतलब दोनों पर H आएगा, और कोई चित प्रकट नहीं होता तो मतलब दोनों पर टेल आएगा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं E इंटरसेक्शन F, तो E इंटरसेक्शन F है फाई, तो जब किसी भी रिक्त समुच्चय की जो प्रायिकता होती है ना वो होती है 0। अब हमने निकालना है PE by F, तो ये आ जाएगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF, तो मतलब 0 अपॉन में PF, आंसर आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को तीन बार उछाला गया है, तो E क्या है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, F क्या है पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। जब एक पासे को एक बार उछालते हैं ना तो 6 घटनाएं होती हैं, दो बार उछालते हैं तो 6×6, तीन बार उछालते हैं तो 6×6×6 216, ये कुल परिणाम होंगे। तो हम 216 के 216 लिखेंगे नहीं, मैंने यही लिख दिया टोटल, कुल परिणाम बराबर 216। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, तो तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होता है तो क्या होगा, पहले पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे 4, 1, 2, 4, तीसरे पे 4 आना चाहिए, 1, 3, 4 फिक्स कर दिया तीसरे पे, 1, 4, 4, 1, 5, 4, 1, 6, 4। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 2 आए फिर 1 फिर 4, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 4, ये चलता रहेगा, 2, 5, 4, 2, 6, 4, ऐसे 3, 1, 4, ये चलता रहेगा यहाँ तक, क्या बनेगा 3, 6, 4, फिर आएगा 4, 1, 4, 4, 2, 4, और लास्ट वाला आ जाएगा 4, 6, 4, ऐसे ही 5, 1, 4, ये भी चलता रहेगा तो आ जाएगा 5, 6, 4, और लास्ट वाली लाइन आ जाएगी 6, 1, 4, 6, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 4, 4, 6, 5, 4, 6, 6, 4, तो ऐसे 36 परिणाम होंगे जब तीसरे वाले पर 4 आएगा। और F क्या है, पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना, तो क्या होगा पहले 6 और ये 5, क्रमशः मतलब फिक्स हो गया, पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा, और तीसरा क्या आ सकता है 1, 6, 5, 2, 6, 5 तो आना ही आना है, तो कितने बनेंगे टोटल 6, 5, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 5, 6, 5, 6। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन देखते हैं क्योंकि हमें E इंटरसेक्शन F भी चाहिए। तो देखो क्या है, यहाँ तो क्या है कि लास्ट वाले पे 4 आना है, तो यहाँ लास्ट वाले पे 4 एक में ही है, ठीक है 6, 5, 4 और 6, 5, 4, तो E इंटरसेक्शन F में क्या आ गया 6, 5, 4, यहाँ फिक्स कर दिया था ना कि पहली दो उछालों पर क्रमशः इसी ऑर्डर में, पहले 6 फिर 5। ठीक है, अब PE by F निकालना है तो आ जाएगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF, तो E इंटरसेक्शन F में एक ही अवयव है तो 1/216, F के अंदर 6 अवयव है तो आ जाएगा 6/216, तो आंसर आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं रेंडमली, ठीक है,
तो हमने पी ई बाई एफ निकालना है। तो जब देखो तीन व्यक्ति हैं ना, तीन व्यक्ति को एक पंक्ति में खड़ा करना है, तो उसको जो खड़ा करने के तरीके होते हैं ना एक पंक्ति में, वो होते हैं फैक्टोरियल तीन मतलब छः। तो ये छः परिणाम ऐसे होंगे, आप लिख भी सकते हो, माता पिता और पुत्र, माता को एम से लिखता हूँ, पिता को एफ से और पुत्र सन को एस से, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि पहले सन आ जाए फिर फादर आ जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले फादर मदर सन, फादर सन मदर, या इस पोजीशन में भी हो सकते हैं, पहले सन हो पंक्ति में फिर मदर फादर फिर सन फादर मदर। तो ये परिणाम, कुल परिणाम जो आ जाएंगे छः आ जाएंगे, ठीक है, जो प्रतिदर्श सेमिस्ट्री में आएंगे कुल परिणाम। पुत्र एक सिरे पर खड़े हैं, तो एक सिरे मतलब कॉर्नर पर होने चाहिए पुत्र, तो एक तो है एम एफ एस या एस है, एक है एफ एम एस और एस एम एफ और एस एफ एम, तो जो पुत्र है ना वो एक ही कॉर्नर पर है। पिता मध्य में खड़े हैं, तो जो पिता मध्य में खड़े हैं ना, तो मदर फादर सन, एक तो ये पोजीशन होगी और एक होगी सन फादर मदर, ठीक है। ई बाई एफ निकालना है, तो पहले मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दूं, तो दोनों में जो कॉमन होगा ना वो आ जाएगा एम एफ एस ई आर एस एफ एन, ठीक है। तो ये दोनों ही कॉमन आ रहे हैं। पी ई बाई एफ निकालना है हमने, तो क्या आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, मतलब यहाँ दो अवयव है तो दो बटे छः, एफ में भी दो अवयव है तो दो बटे में छः, तो आंसर आ जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, तो संख्याओं का योग नौ आने की सह प्रतिबंध प्रायिकता, तो सह प्रतिबंध इसमें लिख दिया है, तो हमें वहां कहीं नहीं जाना, हमें सीधा पता चल जाएगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया है। प्राप्त संख्याओं का योग नौ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सह प्रतिबंध प्रायिकता, जब काले पासे पर पांच प्रकट हुआ है, तो पहले काले पासे को उछाला है, तो जब दो पासों को उछालते हैं ना तो कुल घटनाएं 36 होती है। सारे परिणाम नहीं लिख रहा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कुल परिणाम, ये तो है 36। जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसको तो ले लेते हैं ई, ई मैं लेता हूं प्राप्त संख्याओं का योग नौ होना, ठीक है। और एफ क्या है जो दे रखा होता है, तो दे क्या रखा है काले पासे पर संख्या पांच आना, तो काला पैसा तो पहले वाला है, तो पहले वाले पासे पर पांच आना चाहिए, तो पांच एक पांच दो पांच तीन पांच चार पांच 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 छ, ठीक है। और प्राप्त संख्याओं का योग नौ आना, तो नौ तभी आएगा जब एक पासे पर दो से बड़ा अंक आएगा, तो दो से बड़ा अंक तीन होता है, तो एक पर तीन आ गया तो दूसरे पर छः, तो इसका उल्टा भी होगा छः तीन। फिर ये भी हो सकता है कि चार आए पहले पे तो दूसरे पर पाँच आएगा, उल्टा भी हो सकता है पहले पे पाँच दूसरे पे चार, ठीक है। और फिर पहले पे पाँच वो आ चुका है, ठीक है। अब हमने ई बाई एफ निकालना है, तो हम इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या है कि जहाँ पहले पासे पर पाँच आ रहा है वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा पी ई बाई एफ, तो क्या होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि यहाँ एक ही अवयव है तो आ जाएगा एक बटे छत्तीस, एफ के अंदर छः अवयव है तो छः बटे छत्तीस, तो आंसर आ जाएगा एक बटे छः। तो इसमें सेकेंड पार्ट भी है कि प्राप्त संख्याओं का योग आठ आने की प्रायिकता सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो मैं ई तो ले लेता हूं प्राप्त संख्याओं का योग आठ आना, प्राप्त संख्याओं का योग आठ आने की सह प्रतिबंध प्रायिकता, जब लाल पासे पर चार से कम अंक प्रकट हुआ है, तो एफ तो क्या है लाल पासे पर संख्या चार से कम आना, लाल दूसरे वाला पासा है तो दूसरे वाले पासे पर चार से कम अंक चाहिए, तो एक 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 दो एक तीन,
ठीक है, या फिर दो एक दो 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 तीन, या फिर तीन एक तीन दो तीन तीन, चार एक चार दो चार तीन, पांच एक पांच दो पांच तीन, छः एक छः दो छः तीन। ध्यान रखना जो लाल वाला पास है वो सेकंड वाला है, सेकंड में चार से कम अंक लाना है। ई है प्राप्त संख्याओं का योग आठ आना। आठ कब आएगा? जब पहले क्या होगा, दो, कम से कम दो होना चाहिए तभी आठ होगा ना, दो छः छः दो, या फिर तीन होगा तो तीन पाँच पाँच तीन, या फिर चार चार। अब हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा, जब दूसरे वाले पासे पर चार से कम संख्याएं हैं, छः दो और पाँच तीन, ये रहा छः दो और पाँच तीन। पी ई बाय एफ, पी इंटरसेक्शन एफ अपोन में पी एफ, तो यहाँ दो ही है तो दो बटे छत्तीस, एफ में कितने हैं अठारह, तो अठारह बाय छत्तीस, ये दोनों कट गए तो आंसर आ जाएगा एक बटे नौ। ठीक है, इस टाइप से आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है सह प्रतिबंध प्रायिकता से। ओके, थैंक यू।